साथ मौजूद है अलहाज जार असफी साहब जो एम आई एम के नेता है और मुसलसल लॉकडाउन पूरा नहीं हुआ है, लक से ज्यादा हो गया, उसके बाद भी उतना आदमी और है। फिर हमने तो पहले लक तो था, उसे 7-8 हजार में निपट लेंगे, फिर 10-12 हजार में गया, फिर 14 हजार हो गया, फिर 2-3 हजार का टोटल कितना आप सकती है अब तक? मेरे ख्याल से 14 और तो कितना हो गया, 16 के आसपास, 16 हजार लोगों को 16 हजार परिवार को अब तक आपने जो है किट पहुँचा चुके हैं, और आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि अल्लाह ताला चाहे तो हम जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इत्मीनान होने तक लोगों के दूसरे में हम साथ कल और काम आते रहे। और सर आपसे सीधा सवाल ये है कि आप लगातार अवामी खिदमत के साथ साथ जो सियासी माहौल है वो हमेशा आप इस पर नजर बनाए रखे, मैं सीधी तौर पर ये मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है पूरे इलाके में, कुछ नेतागण तो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, कुछ नेतागण इसका विरोध भी कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर का, आपका तर्क क्या है इस मामले में? 200% फेल। आज के दिन में भी कोई भी सेंटर में कोई किट नहीं पहुंचा है, कहीं पर हमें को छुपाने के लिए जहां जहां से हल्ला होता है वहां से अपने से जाकर के अपने गाड़ी में कस करके सरकार का सामान पहुंचाता है, वो भी ये गवाही देता है कि हाँ हमारी सरकार फेल है, और जहां जहां पर हो हल्ला होता तो हम अपने तरफ से अपने गाड़ी में लेकर के जाकर के सामान पहुंचाते हैं, लेकिन उसका सरकार का आदमी है वो, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो रात रात भर जाता है क्वारंटाइन सेंटर में और दिखाने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए। मैं साहब से कहना चाहूंगा कि आप घर बैठे अपने हुक्मरान को ऑर्डर कीजिए कि तुम्हारा फलाना सेंटर में फलाना चीज कमी है, ना कि आप चाहते हैं खाली वहां पर फोटो खिंचाने के। हम लोग तस्लीमुद्दीन का चला चुकिया है, तस्लीमुद्दीन आज तक किसी अफसर को के पास जाकर के कुछ नहीं बोला, उसको बुलाया या फोन से कहा कि तुम्हारे फना जगह फना चीज का कमी है, और बात बोलते बोलते उसका पूरा होता था। आज हमारे यहाँ के जो रहनुमा है उन्होंने यहाँ का मजा को किरकिरा कर दिया, यहाँ का माहौल को किरकिरा कर दिया, यहाँ का गरीबान को खत्म कर दिया, यहाँ के ऑफिसरों का मनोबल बढ़ा दिया, यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं उसको भी गंदा लत धरा दिया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ बिहार सरकार और बिहार सरकार के एमएलए एमपी से कि वो हमारे यहाँ पर जो बाहर से आदमी आने वाले हैं उसका हिफाजत करे। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ से फिर बहुत प्रयास किया, हम लोगों का प्रयास जब देखा तो हमारे यहाँ के हुक्मरान ने हम लोगों के कहने पर यहाँ से बस भेजा, और जब हम लोग बस वहाँ पहुँचा दिए तब ये हमारे विधायक जो कहते हैं केवल हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात किया और जो है हम यहाँ से 10-12 बस भेजे, जबकि कोई एक आदमी भी कहते कि हम उस परेशानी में 12 बजे का आदमी 11:30 बजे रात तक इतना परेशान हुआ कि कहने की बात नहीं। जब हम लोगों ने कहीं कहीं से जो है बस वगैरह का इंतजाम करके भेजा तब कहते हैं कि हम भेजे। अब कहने दीजिए सर, क्या जिस रफ्तार से मजदूरों को बिहार बुलाया जा रहा है, तो मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1.5 लाख समथिंग मजदूर आ रहे हैं, ये सिर्फ बोल ही सकते हैं, सरकारी भी सरकार के आदमी का भी एक कारनामा हो गया है। आज हम प्रवासी भाई से बात करते हैं, दिन भर में कम से कम तो 50-60-70-80 कभी कभी किसी किसी 100-100 फोन भी आता है, उन लोगों का आंसू देख करके हम लोगों ने यहाँ से किशनगंज से कोचादमन से अपने घर से कम 4-5 हजार आदमी को यहाँ से हम लोगों ने मदद किया, रुपया पैसा से या फिर किसी भाई को कह करके वहाँ पर खाने का सामान पहुँचा, या फिर यहाँ से ऑनलाइन के जरिए रुपया भेजने का काम किया। आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ फोटो खींचने का काम हम लोग नहीं करते। ये फोटो के मसला में बताते सर, आपके नेता पर इल्जाम है बिहार के नेता पर आपके, कि अब तक तो अपने घर में बैठ करके वीडियो जारी कर रहे थे, लेकिन जब क्वारंटाइन सेंटर बने और मजदूर आना शुरू किया तो ये लोग अपने घरों से निकल करके फोटो खिंचाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर घूम रहे हैं। इस दावे में जो पक्ष के लोग हैं कितना सच्चे हैं और आप लोग कितने झूठे हैं, इसको थोड़ा वजाहत करें। जनाब मैं क्या बताऊँ इस बात को, रमजान के दिन में किसी का गीबत करना हमको दुश्वारी लगता है, आप जब पूछ लिए तो मैं बता ही देता हूँ। आज मैं सुबह जब उठा और उठने के बाद बाहरी घर में बैठ करके जब मोबाइल खोला और मोबाइल में देखा तो देखते हैं हमारे एमएलए को बस सोचना चाहिए कि अस्तर विमान कुछ नहीं करता है, टुकड़ा छपी करता है, काम तो तुम्हारा है, तुम्हारा सरकार का है, तुम 100% नहीं 200% फेलियर हो, तुम लोगों से माफी मांगो, हमने आप लोगों के साथ जो जुर्म किया है उसके लिए हम क्षमा का मोहताज हैं, आप उससे माफी मांगिए, ना कि आप अस्तर विमान और इजाजत और